बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर स्टार्टिंग ओरल, तो प्लीज टेक आउट पीपी बुक पेज नंबर 9। टॉपिक इज माई सेल्फ। माई सेल्फ क्या टॉपिक है हमारा? माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज योर फोन नंबर? व्हाट इज योर फोन नंबर? अब आपका फोन नंबर क्या है? सब बच्चों को अपना फोन नंबर याद होना चाहिए। ऑब्वियसली आप तो अभी बहुत छोटे हैं, आपका अपना सेल फोन या नंबर नहीं होगा, तो मम्मा या बाबा में से किसी एक का तो एटलीस्ट नंबर आप याद करें और उस नंबर को फिर हम इस वाले कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? व्हाट इज योर फोन नंबर का? माई फोन नंबर इज, और यहाँ पर आप अपना जो मम्मा का या बाबा का नंबर होगा उसको आप लर्न करके यहाँ पर राइट करेंगे। और जब ऑनलाइन इंशाल्लाह क्लास होगी तो टीचर आपसे आपका नंबर जो है वो सुनेंगी, ठीक है? एंड दीज आर योर फ्लैश कार्ड्स फॉर ओआरटी बुक हाइड एंड सीक, ठीक है? हमने हाइड एंड सीक पढ़ी थी पेज नंबर 1-4। अब देखिए आज अब जो है वो हम फ्लैश कार्ड के थ्रू से रीडिंग करेंगे। व्हाट इज द राइट हेयर? आई, आई, खैन, खैन। व्हाट इज द राइट? खैन। यू, यू, सी, सी, सी। व्हाट इज द राइट? सी। मी, मी, अस, अस, यस, यस, ठीक है? आपकी बुक पे ये वाले वर्ड जो थे वो रिवाइज करने थे आपको, इसलिए टीचर ने आज जो है आपको बताया है कि आपने फ्लैश कार्ड के थ्रू से रीडिंग करनी है ताकि आपको वर्ड की रिकग्नाइजेशन हो और आप सिर्फ बुक में देख के क्रैमिंग ना करें बल्कि आप वर्ड को कहीं पर भी देखें। कहीं पर भी अगर आपको लिखा हुआ नज़र आता है अस है या फिर सी है तो आप फौरन क्विकली रिकग्नाइज करें, क्योंकि आपको रिकग्नाइजेशन होना चाहिए, ठीक है ना? क्रैमिंग नहीं करनी है। कैन यू सी मी, कैन यू सी अस, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कैन लिखा हुआ है, कहाँ सी है, कहाँ अस है, कहाँ आई है, ठीक है? इस तरह से करके आपने रिकग्नाइजेशन करनी है और अपनी रीडिंग को कंप्लीट करना है। उर्दू बुक पेज नंबर 4040, ठीक है? प्लीज टेक आउट पेज नंबर 40। हे, हे, व्हाट इज द राइट आर योर बुक? हे, हे, की आवाज हा, एक ही आवाज हा। हा हिजाब, हा हिजाब, हा हिजाब। हे की आवाज क्या है? हा, और हे जो है वो खाली है। हे के ऊपर नीचे साइड पर लेफ्ट राइट पर कोई नुक्ता नहीं है। हे खाली, हे की आवाज हा। टॉपिक इज हे। पढ़िए, पेंसिल फेरिए और रंग भरिए। रंग भरना है आपने, जो आंटी की पिक्चर बनी है जो हिजाब पहना हुआ है जिन्होंने, उनके ऊपर आपने कलर करना है, ठीक है? हे, अब आप यहाँ पर हे की ट्रेसिंग करेंगे। हे, हे खाली, हे खाली, और हे की आवाज हा, हे की आवाज हा। हा हलवा, हा हिजाब। इस तरह करके आप इस वाले पेज को कंप्लीट करें। नाउ टेक आउट इंग्लिश बुक पेज नंबर अगेन 40। टॉपिक इज लॉन्ग वॉवेल। हमें क्या करना है? लॉन्ग वॉवेल पे आज हम वर्क करेंगे। कौन सा उसका लेटर और साउंड है? ए, ठीक है? अब हम ए जो जहाँ पे लॉन्ग वॉवेल, लॉन्ग वॉवेल की, क्योंकि ए जो है वो वॉवेल है तो इसकी आवाज़ जहाँ पे लॉन्ग होगी उसको पे हम आज वर्क करेंगे। जैसे फर्स्ट पिक्चर इज दिस, केक, केक, केक। अब इसमें ए की आवाज़ जो है वो लॉन्ग है तो हम इसको यहाँ पर ए को हम ट्रेस करेंगे इस तरह से। केक, एक,
अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है, ए। यहाँ पर फिर दोबारा से कहा गया, ठीक है ना, ए का लॉन्ग लॉन्ग साउंड आ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ए। अब यहाँ पर ये किस चीज की पिक्चर बनी हुई, रे, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा से लिखेंगे, ए, रे, रे। इसमें देखिए ए का साउंड जो है वो लॉन्ग आ रहा है, प्ले, प्ले। अब हम यहाँ पर भी ए लिखेंगे क्योंकि ये यहाँ पर लॉन्ग वॉवेल का साउंड है, ठीक है। केक, ए, रे, प्लेट। एंड दिस इज आवर लास्ट वर्ड फॉर मैथ्स, तो प्लीज टेक आउट पेज नंबर 58, पेज नंबर 58। काउंट, राइट एंड लर्न तीन नंबर्स, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, तीन नंबर्स की हमें सिंपली राइटिंग करनी है। इस नंबर इज दिस 1919, 1919। अब हम इसकी क्या यहाँ पे राइटिंग करेंगे, 1919, 1919। अब यहाँ पर देखिए तीन जी इन्होंने बताया, टेन नंबर बार भी इन्होंने बना के बताया हुआ हमें, काउंट करें इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10। ये एक बार हो गया 10 का। अब यहाँ पर देखिए कितने सारे इन्होंने यहाँ पर बीट्स रखे हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1919। हम यहाँ पर लिखेंगे 1919, 1919। इस तरह करके आप अपने इस पेज को कंप्लीट